तुहे सौंप कर सब चिंता फिकर कर तुहे सौंप कर सब चिंता फिकर कर देह दुनिया से हम हो गए बेखबर खबर खिवैया I'm so भी पहले बन जात काम मेरे करने से पहले ओ सोचो भी क्या सोचने से भी पहले बन जात काम मेरे करने से पहले बन जात काम मेरे खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूँ ऐ खुदा दोस्त तारीफ क्या मैं करूँ ये सब है तेरी खूबियों का सर कि मैया फॉलो फादर प्रोजेक्ट से जुड़े हुए आप सभी निश्चिंत जीवन जीने वाले प्यारे प्यारे हमारे स्पार्कलर्स तथा देश विदेश से जुड़े हुए बेफिक्र बादशाहों का आज के इस प्रश्नोत्तरी सत्र में हार्दिक स्वागत है अभिनंदन है गीत सुन रहे थे हम सब बहुत प्यारा कि अपनी नैया हमने उस खेवैया को सौंप दी है जो हमें अवश्य ही पार करेगा इसमें कोई संदेह नहीं है जिनका पालन हार जिनका तारण हार जिनका खेवन हार स्वयं परमात्मा हो जिनकी जिम्मेवारी स्वयं भगवान ने ले ली हो जिनके सिर पर स्वयं सर्वशक्तिवान त्रिलोकी नाथ का हाथ हो उन्हें तो कोई चिंता हो ही नहीं सकती और बाबा ने तो गारंटी की हुई है कि मेरे बच्चों को अंत तक दाल रोटी मिलती रहेगी इतनी बड़ी गारंटी तो और कोई ले ही नहीं सकता एक बच्चा हंसता खेलता मुस्कुराता रहता है क्योंकि उसके जीवन में कोई फिक्र नहीं है तो स्वाभाविक रूप से वो मुस्कुराता है लेकिन एक बादशाह जिसके सिर पर जिम्मेवारियां हो पूरे राज्य के वो यदि हल्का रहे निश्चिंत रहे मुस्कुराता रहे तो ये बड़ी बात है जैसे राजा जनक थे जैसे हमारी दादियाँ थीं बड़ी दादी बिल्कुल हल्के फुल्के दादी जान के जी इतनी बड़ी जिम्मेवारी को निभाते हुए भी बिल्कुल प्रसन्न हल्के जैसे कुछ कर ही ना रहे हों बहुत बड़ी कला है हम सबके सिर पर भी छोटी बड़ी जिम्मेवारी अवश्य है अपने लौकिक की कार्य व्यवहार की और सारे कल्प भी हम सबके सिर पर जिम्मेवारी का ताज रहेगा विश्व को संभालने के इन जिम्मेवारियों को संभालते हुए कैसे हम हल्के रहें निश्चिंत रहें बेफिक्र बादशाह बनकर रहें यही आज के इस सत्र का विषय है भगवान के मिलने के बाद भी यदा कदा मन में छोटी बड़ी चिंता आ ही जाती है कैसे सदा हल्के और निश्चिंत रहें इस पर ही आज प्रकाश लेंगे हमारे प्रोजेक्ट गाइड आदरणीय सूर्य भाई जी हमेशा की तरह हमारे साथ हैं आइए उनका अभिनंदन करते हैं जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन थैंक्स विषय बहुत खूबसूरत है माता जी बेफिक्र बादशाह सुनने में जितना अच्छा लगता है क्या इतना ही प्रैक्टिकल और सहज है विषय खूबसूरत है तो भगवान के बच्चे भी तो खूबसूरत हैं जी जी उनके पास तो स्थूल श्रृंगार नहीं ज्ञान रत्नों का श्रृंगार है सर्व शक्तियों से सुसज्जित हैं सभी और भगवान भरोसे जीते हैं इसलिए ठीक है बादशाह बनना बेफिक्र बादशाह पहले बाबा शब्द यूज करते थे बेगमपुर के बादशाह जिन्हें कोई गम नहीं जी बात बड़ी है कलयुग के अंत में गमों का संसार है फिक्र लिए हर मनुष्य घूम रहा है लेकिन ज्ञानियों की पहचान ही ये है कि वे ज्ञान के बल से कुछ योग के बल से कुछ अपनी सुंदर धारणाओं के बल से अपने त्याग के बल से समर्पण भाव के बल से अपने जीवन को निश्चिंत करते चलें और एक दिनेसा आए कि वो बिल्कुल ही संसार में बेफिक्र बादशाह होकर विचरण करें जैसे एक छोटे बच्चे का आपने उदाहरण दिया छोटा बच्चा इसलिए बेफिक्र है क्योंकि उनकी चिंता माँ बाप करते हैं अच्छा उसे ये पता भी नहीं कि उसकी चिंता माँ बाप करते हैं <laughs> यहाँ हम सब के साथ ये है कि हम बड़े हैं हमें चिंताएं हैं और हमारे परम पिता हमारी चिंता करते भी हैं क्या यहाँ थोड़े गड़बड़ हो जाती है। संसय निश्चय का खेल चलता है और ये निश्चय की बात बहुत ही गहरी हो जाती है ये मोटा निश्चय नहीं है क्योंकि अगर हम में इस बात का संपूर्ण विश्वास हो जाए कि यदि हम बाबा को समर्पित कर दें यदि हम अपनी जिम्मेदारी बाबा को दे दे कोई काम बाबा को दे दें तो वो बंद जाता है उसको करने के लिए मुझे बाबा की बात याद आ गई मैं याद दिला दूँ सब भूल गए हों तो फिर से अभ्यास प्रारंभ करेंगे बाबा ने कहा कोई भी मुश्किल आए प्यार से कहना मेरा बाबा बुलाओ बाबा आ जाओ मदद करो तो बहुत अच्छे शब्द हैं बाबा के बाप भी बंधा हुआ है मदद करने के लिए इससे बड़ी बात वो और क्या कहे भगवान स्वयं बोल रहा है बस तुमने मुझे कहा ना अब सरल शब्दों में यह है हमने उसे कहा वो करेगा ही ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके प्यारे बच्चे उसको कहें उससे कुछ मदद मांगे कुछ कार्य सौंप दें उसे और वो ना करे इम्पॉसिबल अब यहाँ हमें कितना विश्वास है हम उसके भरोसे कितना अचल अडोल होकर जीते हैं इस पे सारा खेल डिपेंड करता है तो इसमें लंबे समय के ज्ञान का प्रयोग बाबा की शक्तियों में अनुभवयुक्त विश्वास अनुभवयुक्त ये बहुत बड़ा काम करेगा बात से अंदर तो जी इससे पहले कि मैं विषय पे चलूँ आपने जो एक बात छेड़ी है उसे थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँगा हम उसे बोलें और वो ना करें क्या क्या बोला जा सकता है कहाँ कहाँ मदद ली जा सकती है और कहाँ नहीं इस पर भी थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहूँ देखिए मदद तो वो हर जगह करता है जैसे सूरज की लाइट हर जगह पहुंचने के लिए तैयार है लेकिन वो हमारे ऊपर है हम उसको रोक तो नहीं देते अब खेत हैं खेतों में खुली लाइट उसकी पड़ती है जब तक बादल न रोकने लगे उसको ऐसे ही बाबा से हमने जो कुछ कहा वो मदद तो करेगा लेकिन रुकती कैसे है मदद अगर हम उसकी आज्ञाओं पर नहीं चल रहे हैं mm -hmm. अगर हम पुण्य आत्मा नहीं बने भगवान को पुण्य आत्माएं बहुत प्रिय हैं अगर हमारे पाप हमारे सामने दीवार बनकर खड़े हैं तो भगवान की मदद काम नहीं कर सकती और एक राइट टाइम राइट टाइम का वो भी इंतज़ार करता है हर चीज़ का एक राइट टाइम है वो हमें कुछ अनुभव भी देना चाहता है वो हमें कुछ शक्तिशाली भी बनाना चाहता है इसलिए हम उसकी शक्तियों में विश्वास रखें लेकिन कहने की बात जैसे अब एक बच्चा पढ़ता नहीं है बिल्कुल और वो कहे या उसके माँ बाप कहे इसके 90 परसेंट मार्स आने चाहिए बाबा आप मदद करना जी, जी। लेकिन <laughs> वो पढ़ता ही नहीं है <laughs> इसमें काम नहीं चलेगा जी। हमारा पुरुषार्थ और तो उसकी मदद दोनों का मिलन होना चाहिए हमारा दो चार कदम बढ़ना तो जरूरी है हुँ, हुँ, तब उसकी मदद आएगी अगर हम सोए रहेंगे हम खाट से भी क्यों उठें? चलना तो छोड़ो हम उठें ही क्यों वो करेगा ना तो वो नहीं करेगा। जी मतलब ज्ञान युक्त विवेक युक्त समझ के आधार पे हमें ये देखना है कि कहाँ कैसे बाबा की मदद लेनी है पहला प्रश्न है बता जी ये जो बेफिक्र बादशाह शब्द है तो हमें किन किन बातों में बेफिक्र बनना है और किन बातों की फिक्र करनी है क्योंकि कई बार होता है कि पुरुषार्थ ऊपर नीचे होने पर भी हम बेफिक्र बन करके बैठे रहते हैं कि बाबा ने तो कहा है कि बेफिक्र वो बेफिक्र नहीं वो अलवेलापन है वो आलस्य है वो केयरलेसनेस है जी अलवेलापन की इंग्लिश है केयरलेस और बेफिक्र की इंग्लिश है केयर फ्री केयरिंग तो हमें होना ही है लेकिन चिंता फ्री चिंताओं से मुक्त तो इसमें मान लो एक व्यक्ति बीमार है मैं उदाहरण लेता हूँ जी अभी उसको निश्चिंत रहना है कि बाबा ठीक कर देगा लेकिन बाबा ठीक तब करेगा जब आप ट्रीटमेंट लेंगे आप कुछ भी ना करें बाबा ठीक कर देगा तो ये पॉसिबल नहीं होगा अब दूसरी बात ये कि वो कब ठीक करेगा ट्रीटमेंट भी कब तक लेनी पड़ेगी इसमें खेल काम करता है मनुष्य के कर्मों का अब मान लो एक व्यक्ति ने जहर खा लिया मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ बीके तो जहर नहीं खाएंगे पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि इन्हें जहर खा लिया और जहर खाने का असर तीन दिन तक दिखाई दिया तब हॉस्पिटल में ले गए अभी जहर फैल चुका शरीर में इमीडिएट नहीं पता चला अभी उसको हॉस्पिटल में ले गए और बाबा के बच्चे कह रहे बाबा इसे ठीक करूँ अब वो इंतज़ार कर रहे बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा तीन दिन बीत गए पाँच दिन बीत गए बाबा तो ठीक ही नहीं कर रहा लेकिन डॉक्टर्स के पास उस जहर को निकालने का एक समय है वो इमिजिएट नहीं निकलेगा हो सकता है वो कहें इसमें एक वीक लगेगा आप धीरज धरो तो जैसे उनके कहने से भी हमें एक वीक धीरज धरना पड़ेगा ऐसे ही बाबा के पास भी एक राइट टाइम होता है जब वो देखता है इनके वो विकर्म नष्ट हो गए हैं जिसके कारण ये बीमारी आई है या ये परिस्थिति आई है अब उसका टाइम पूरा हो गया अब वो मदद कर देगा तो समय की मदद और बाबा की मदद दोनों मिलकर उस चीज को ठीक कर देंगे इसमें समय बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है समय को डिफाइन करना सहज काम नहीं देखो ज्योतिष विद्या में समय का ही बड़ा महत्व है वैसे ही समय पे भगवान आता है समय पे हम उठते हैं समय बीत जाने पर थोड़ा ही बाबा हमारी ओर देखता है हर काम का रिलेशन समय से है इसलिए राइट टाइम पर राइट काम करना लेकिन लोगों की एक सोच है और मुझे लगता है ये सत्य भी है कि भगवान समय से भी ऊपर है सर्वशक्तिवान है उसने ही सब चीज़ों को रचा है उसके अंडर में सब कुछ है तो ये एक विश्वास लेकर व्यक्ति चलता है तब वो समय अन्य बातों को पीछे छोड़ते हुए बस उसके भरोसे सोचता है कि सब कुछ ठीक हो जाए ये अंधविश्वास हो गया समय की गति को तेज नहीं करता बाबा समय को अपनी गति से चलने देता है सर्वशक्तिवान है वो इसका अर्थ ये नहीं कि वो सृष्टि के जो नियम है उसके विरुद्ध कार्य करने लगेगा मैं जो चाहे कर सकता हूं प्रकृति के जो नियम है सृष्टि के जो नियम है कर्मों के जो सिद्धांत हैं उसको भी उस अनुसार ही काम करना होता है मान लो हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर या प्रेजिडेंट हाईएस्ट पदों पर हैं mm -hmm. लेकिन काम तो वो संविधान के अनुसार ही करेंगे उसके प्रतिकूल नहीं वो कर ही नहीं सकते नहीं तो वो भी सजा के पात्र हो जाएंगे ऐसे ही भगवान ने जो नियम स्वयं निर्धारित किए हैं उनका पालन पहले उन्हें करना पड़ता है इसलिए वो समय की गति को धीमा या तीव्र नहीं करते जी जी मतलब नियम के अनुसार ही करते हैं कुछ अधिकार विशेष प्राप्त होते हैं राजा को या प्रेसिडेंट को कि फांसी की सजा हो गई फिर भी वो उनको माफी दे सकते हैं क्या इस प्रकार के अधिकार विशेष प्राप्त नहीं है भगवान को कि हाँ सब नियमों को एक तरफ रखते हुए मैंने तथास्तु कहा और वो कार्य हो गया हो जाएगा लेकिन जिसके लिए उसे करना है वो उसका पात्र होना चाहिए जैसा आपने पहले कहा था कि पुण्य आत्मा भक्ति में दिखाया गया है भगवान को कुछ विशेष भक्तों के लिए नियम बदलते देखा गया हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन वो विशेष भगत वो सबके लिए नहीं ऐसे नहीं वो भक्ति भी कर रहा हो और पाप भी कर रहा हो भगवान को ऐसे भक्त प्रिय नहीं होते जो भक्ति करते हो दिल से स्वार्थ से नहीं और बहुत पुण्य आत्मा हूँ उनके प्यार में भगवान बन जाता है और जो उसके बच्चे ही बन गए लेकिन जो उसकी आज्ञाओं पर पूर्ण रूप से चलते हों जो उसके कार्यों को परफेक्ट करने में कुर्बानी करते हों जिन्होंने उसके दिल को जीत लिया उसके लिए वो ऐसा भी कर सकता है बिल्कुल पिताजी अगला प्रश्न है बाबा ने कहा है ये ईश्वरीय महावाक्य हैं कि जिसकी बुद्धि जितनी स्वच्छ होगी वह उतना ही बेफिक्र होगा तो यहां बुद्धि की स्वच्छता का बेफिक्र होने से क्या संबंध है बुद्धि की स्वच्छता का तो एक ही मीनिंग नहीं होता है कि बुद्धि में कोई गंदगी ना हो गंदगी से हम सब परिचित हैं चाहे वो परचिंतन की हो व्यर्थ चिंतन की हो दूसरे के अवगुण रख लिए अपनी बुद्धि में या अपनी बुद्धि में दूसरों के लिए गलत एटीट्यूड्स बनाकर रख लिए हैं ये तो है ही ऐसा इस गंदगी से क्या होता है कि परमात्म शक्तियाँ प्राप्त नहीं होती स्वच्छ बुद्धि बिल्कुल खाली बुद्धि व्यर्थ से इसमें ही तो भरेंगी परमात्म शक्तियाँ तो परमात्म शक्तियाँ न भरने से मनुष्य बेफिक्र नहीं हो सकता छोटी छोटी बातें उसे चिंतित करेंगी बात केवल ये नहीं कि हम बाबा को छोड़ दें सब कुछ जी। लेकिन हमें ज्ञान का भी यूज करके अपनी चिंताओं को समाप्त करना चाहिए वो तो एक पहलू है कि अपनी चिंताएं उसे दे दो बोझ उसे दे दो लेकिन वो ये भी चाहता है कि हम इतने समर्थ बने हम इतने कैपेबल बने कि अपने तो छोड़ो दूसरों के भी बोझ हम नष्ट कर सकें दूसरों के भी विघन हम नष्ट कर सकें तो ज्ञान का प्रयोग करना और अपने को समर्थ बनाना यह भी बेफिक्र बनने का एक है जी 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 हर मतलब जा, हर हर बार हम भगवान के आगे हाथ फैलाने लगे तुम कर दो वो भी तम हो जाएगा ना बार बार मेरे पास आ जाता है खुद तो कुछ करता नहीं ये काम नहीं है जी, जी 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 बिल्कुल मतलब ये दूसरा पहलू बहुत महत्वपूर्ण रहता है जी इस पर सबको विचार करना चाहिए कि ज्ञान जो इतना सुंदर बाबा ने दिया है उसे भी हम बेफिक्र रहने में यूज करें और दूसरों को भी बेफिक्र बनाएं उसके आधार पर तीन शब्द हैं चिंता फिक्र और ओना इनमें क्या फर्क है ओना सिंधी शब्द है ओना माना किसी चीज को प्राप्त जैसे हमें मान लो कहीं जाना है अब स्टेशन पे जाना हमारी गाड़ी दस बजे तो जाने का ओना कहेंगे यहाँ भाई जाने की लगन है उसको हल्की चिंता भी कहेंगे लेकिन उसे वो चिंता नहीं कहते जो चिंता खतरनाक है वो एक लक्ष्य है कि भाई हमारे पास आधा घंटा है आधा घंटे में हमें स्टेशन पहुंच जाना चाहिए इसको बाबा कहते तुम्हें ओ ना लगा रहे याद करने का तुम्हें ओना लगा रहे संपूर्ण बनने का प्रधान बनने का ये सिंधी शब्द है और चिंताएँ थोड़ा बड़े रूप से प्रयोग की जाती हैं जब मनुष्य गहरे सदमे में चला जाता है उसे गहरी चिंता हो जाती है जो उसके जैसे खून को भी सुखाने लगती है और फिकर एक छोटी चोट छोटी बातों के लिए भाई इस चीज़ का फिकर उस चीज़ का फिकर जो कॉमन संसार में चलता है हुँ, और हुँ, ये फिकर हर एक को रहता ही है और रहना भी चाहिए तब तो मनुष्य कुछ काम करता है तो बड़ी स्थिति है चिंता भयानक जिसको चीता के समान हाँ चीता है? के समान है और जो काम काज के फिकर बच्चों की पढ़ाई का फिकर चिंता नहीं फिकर है भाई इन्हें राइट टाइम पर भेजना है इन्हें होमवर्क कराना है इनके अच्छे मास आ जाए इन्हें पुष्प करते रहना है और जो ओना है ये एक लगन जी 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 मतलब एक पॉजिटिव शब्द है हाँ। ओना आ, क्या किसी चीज की फिक्र करना विकार या अवगुण कहलाता है क्या फिक्र करना पाप के खाते में जमा होता है नहीं इसका नाता पाप से नहीं है इसका नाता है मनोस्थिति से भाई हमें खुशी नहीं रहेगी हम ज़्यादा फिक्र करेंगे तो फिक्र हमारी चिंताओं में बदल जाएगी तो फिर हमें खुशी नहीं रहेगी हमें शांति नहीं रहेगी और फिर हम अपने चित्त को एकाग्र भी नहीं कर पाएंगे बाकी इसमें पाप और पुण्य की बात नहीं है जी क्या फिक्र करना ब्राह्मणों का नेचुरल स्वभाव नहीं होना चाहिए फिक्र करने से तो पुरुषार्थ और ही तीव्र होगा ना हमारी उन्नति में सहायता होगी होना ही चाहिए अगर पुरुषार्थ का ही फिक्र नहीं यह मान लो एक ग्रहिणी है उसके घर में चार मेहमान आए हुए और उसको अच्छा भोजन बनाने का ही फिक्र नहीं यहाँ चिंता की बात नहीं, नहीं। फिक्र एक लक्ष्य तो होगा ना एक लगन तो होगी ना तो वो तो कुछ काम ही नहीं कर सकेगा इसलिए अच्छे ब्राह्मण वही जो अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ का फिकर करें जी जी इस फिकर से बेफिकर बात नहीं ये फिकर करने से बेफिकर बात जी जी पहला प्रश्न ही यही था, था। कई लोग ये सोच करके कि बाबा ने मना किया है स्थिति भले ही डामा डोल हो रही हो लेकिन अपने पुरुषार्थ की भी फिक्र नहीं, नहीं करना मस्त रहो जो हो रहा ठीक है भाई साहब कईयों के साथ ऐसा भी होता है कि अपने पुरुषार्थ को लेकर इतना चिंतित हो जाते हैं कि स्वयं को ही डिमोटिवेट करने लगते हैं उमंग उत्साह खत्म हो जाता है तो ऐसे ब्राह्मणों को क्या सजेस्ट करेंगे वो गलत है कुछ विदेशियों के हमने समाचार सुने उन्होंने हमें बताया जब उनसे पुरुषार्थ नहीं हो तो अपने को मार पीटने लगे उससे उनके ब्रेन पर बुरा असर आ गया फिर बाकी पुरुषार्थ पूरा ही हो गया पूरे जीवन के लिए दो चार केस ऐसे हुए तो इतना अतिवादी मनुष्य को नहीं बनना चाहिए देखिए जो हमारा पुरुषार्थ है हमारा जो योग अभ्यास है हम देखते हैं हमें हजारों के अनुभव आते हैं हमारे पास और इससे हमें पता चलता है कौन योगी बन सकते हैं किसके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे और जब उतार चढ़ाव आए तो उन्हें क्या करना चाहिए ये हर व्यक्ति जानता हर जो हर एक जो एडवाइजर है उसको भी नहीं पता इसका योग नहीं लग रहा वो कहेंगे बैठो बाबा के रूम में दो घंटे बैठे रहो क्यों नहीं योग लगेगा लगेगा जरूर सवेरे दो बजे उठ जाओ योग लगाओ लगेगा वो दो बजे उठ के सो रहे हैं बेचारे <laughs> तो रियल पुरुषार्थ की गाइडेंस ये सबसे नहीं आती है इसलिए एक अच्छा गाइड यदि किसी को मिल जाता है तो सहज हो जाता है और उसका फिकर भी एक नेचुरल सा रहता है वो भी एक चिंता भी कह सकते हैं उसे लेकिन वो भयानक वाली चिंता नहीं अपने पुरुषार्थ की चिंता बिल्कुल मतलब यदि उतना नहीं भी हुआ तो हम उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ाते चले। हम अगर उतना हमारा नहीं हो रहा है लो किसी ने सुना आठ घंटे योग करना है मेरा हुँ, तो हुँ, होता नहीं अब होता क्यों नहीं उसके पीछे कई राज हो सकते हैं ये राज हो सकता है उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी ना हो ये राज हो सकता है उसकी देहिक दृष्टि ज्यादा हो ये राज हो सकता है वो पूरा जीवन मोबाइल पे ज्यादा लगा हुआ और उसका ब्रेन इतना पावरफुल ना हो क्योंकि ब्रेन का पावरफुल होना भी जरूरी है ये हो सकता है उसका चित्त एकाग्र होता ही ना हो और वो लगा हुआ आठ घंटे योग करना तो वो जो संघर्ष है वो अच्छा नहीं रहता इसलिए हर एक को अपनी अपनी योग्यता को समझते हुए अपनी सामर्थ्य को समझते हुए मेरा पुरुषार्थ किस गति से आगे बढ़ सकता है अगर आपको आठ घंटा योग का चार्ट बनाना है तो आप लक्ष्य रख लो एक साल में बनाना है मुझे रोज एक मिनट बढ़ा देना है देखो एक मिनट ही काफ़ी हो जाएगा फिर तो धीरे धीरे वो बढ़ता जाएगा और योग अच्छा हो जाएगा इसलिए इसको इसमें बहुत समझदारी की जरूरत जी 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 मतलब धीरे धीरे इसमें उन्नति की ओर आगे बढ़ते चलें बाबा ने कहा है कि इस अलौकिक जन्म का धर्म अर्थात धारणा ही है मौज में रहना परंतु वर्तमान समय यदि शारीरिक पारिवारिक या, या आर्थिक स्थिति से यदि हम मजबूत नहीं हैं तो कितनी भी कोशिश करें ज्ञान के आधार से भी हम चिंता मुक्त नहीं बन पाते तो ऐसे में हम मौज के जीवन का अनुभव कैसे करें इसमें थोड़ा सा हमें ये करना पड़ेगा कि उन चीज़ों से थोड़ा हट कर थोड़ा डिटैच होकर मान लो जॉब गई जी अभी आर्थिक तंगी भी होने लगी अभी बहुत प्रैक्टिकल बात है मनुष्य को चिंता होगी उसको बच्चे भी हैं लेकिन हम बाबा का उदाहरण लें बाबा के पास 380 बच्चे खाने खिलाने को थे लेकिन घर में कुछ भी नहीं था अब देखो ब्रह्मा जैसा पेपर तो किसी का नहीं हो सकता आपके घर में दो चार बच्चे हो सकते हैं फिर भी भोजन तो होगा पैसा भी थोड़ा बहुत होगा उधार भी मिल जाता है लेकिन बाबा के पास कुछ नहीं था कैसे उन्होंने शिव बाबा के भरोसे से अचल अडोल उस लंबे समय को पार किया धैर्यता से वो कोई एक दो दिन की बात नहीं थी अच्छा लंबा समय गुजरा था कोरोना का समय तो बहुत थोड़ा है उससे तो अगर मान लो आपकी नौकरी चली गई और आर्थिक तंगी आपको हो रही है तो पहला कदम आप उठाएंगे कि खर्च में कटौती भाई पहले ऐसा भोजन खाते थे अब थोड़ा सीधा कर देते हैं हमने यज्ञ में देखा जब हम आए जब मेरी ड्यूटी किचन में लगी तो एक सीधा सा नियम था जब सीजन नहीं है रात को केवल एक सब्जी और रोटी होगी खिचड़ी भी नहीं नहीं खिचड़ी चावल तो तब होता ही नहीं था ये तो जब से गुजराती आए उनको कड़ी चावल चाहिए किच, खिचड़ी कड़ी खिचड़ी चाय थी तब से शुरू हुआ तो सब उसमें खुश रहते थे बस एक रहते मतलब थे। रोटी और सबजी। एक सब्जी और रोटी बस दिन में दाल चावल और सब्जी और रोटी मिलेगी तो बाबा ने भी ये सिखाया और ये कॉमन बात है भाई जब ऐसा समय आ जाए आमदनी कम हो रही हो तो इकोनॉमी से जीवन जीना ही चाहिए दूसरी बात अपनी साधना को बढ़ा दें चलो वो कमाई नहीं हो रही है अलौकिक कमाई कर लेते हैं थोड़ा सा प्लानिंग करें स्त्री पुरुष दोनों और अपने घर के वातावरण को बहुत अच्छा बनाएं तो स्थिति श्रेष्ठ होने से योग बल बढ़ने से ये सब चीजें सहज ही ठीक हो जाएंगी तो ये दो चीज़ें हर एक को अपनानी चाहिए लेकिन अगर इन्हें छोड़कर चिंता करने लगे बेकार है अब उसके तेल के तो पैसे नहीं हैं बड़ी परेशानी हो गई लेकिन उस टाइम कार पहले भी तो नहीं थी छोड़ देना चाहिए जैसे हमारे यहाँ भी किया है कारें सबकी खड़ी हैं तेल नहीं है तो तो समय अनुसार करना ही पड़ता है ना जी 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 बिल्कुल मतलब हम एक रास्ता निकाल लें अपनी अवस्था को अच्छी रखें तो परिस्थितियाँ बातें ठीक होती चलेंगी घर में बड़ा होने के नाते घर की सारी जिम्मेवारी बाबा ने मुझ आत्मा को दी है ड्रामा अनुसार क्या इन हालातों में भी बेफिक्र बादशाह बनना संभव है यदि हाँ तो कैसे यदि संभव ना होता तो भगवान कहते ही क्यों बाबा का एक महावाक्य मैं आपको सुना दूं साकार में बोला करते थे बाबा बाप बच्चों को जिम्मेदारी देते हैं जैसे आपको दी है लेकिन जब बच्चे वो जिम्मेदारी बाप को समर्पित करके कार्य करते हैं तो बाप उनकी जिम्मेदारी को पूर्ण करने लगते हैं ये सीधे सिद्धांत हैं इसलिए जिम्मेदारी की जितनी चिंता है उतनी ही चिंता अपने श्रेष्ठ पुरुषार्थ की भी कर दो तो जिम्मेदारी निभाने में बाप आपकी बहुत मदद करने लगेगा जी सब जिम्मेवारियाँ बाल बच्चे पति सब कुछ बाबा को सौंप कर खुद को निमित्त समझ बेफिक्र तो हो जाते हैं लेकिन सदा के लिए बेफिक्र बादशाह नहीं रह पाते इसके लिए क्या करें यह ज्यादातर होता है व्रत जी लोगों को कि हमने सब सौंप दिया लेकिन फिर कब हमने ले लिया वो हमें ही नहीं पता चलता देखिए आज के समय में जो कोरोना काल है इसमें यह बात बहुत प्रैक्टिकल हो रही है और इसी को ध्यान में रखकर और भविष्य को ध्यान में कर मैं इसका उत्तर देता हूँ अब मान लो एक चिंता है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे अभी फादर ने बहुत अच्छी तैयारी कराई थी कि बच्चों को मेडिकल में भेजेंगे आईआईटी में भेजेंगे या और कोई हायर एजुकेशन उन्हें दिलाएंगे अब थोड़ी समस्या आ गई धन की भी कमी हो गई और जो एग्जाम हो रहे थे अब शुरू हुए हैं मान लो वो भी नहीं हो रहे थे तो मनुष्य चिंतित होता है लेकिन अब मनुष्य को क्या करना चाहिए कि समय अनुसार अपनी इच्छाओं और कामनाओं को ढालते चलें अगर ये मनुष्य नहीं करेगा तो उसकी चिंताएं दिनों दिन बढ़ती जाएंगी इसलिए ठीक है बच्चों की पढ़ाई मान लो एक साल नहीं हो रही कोई बात नहीं फिर पढ़ेंगे सदा सदा तो ये दिन रहेंगे नहीं दिन तो बदलते जाएंगे परिस्थिति बदलेंगी कभी अच्छी आएंगी कभी बुरी आएंगी चलो एक घंटा ड्रॉप हुआ क्या प्रॉब्लम हुई फिर आगे पढ़ लेंगे तो अगर ऐसी मेंटलिटी बनाएंगे और अपने परिवार में बच्चों का भी मन हल्का करेंगे तो बहुत अच्छा होगा अगर सोचते रहेंगे बच्चों को भी कहेंगे हाय एक साल बेकार चला गया मेरे बच्चों बच्चे भी कहेंगे हाय पापा क्या करें देखा हम तो पीछे रह गए तो घर में मायूसी छा जाएगी हाँ उमंग उत्साह बढ़ा देना चाहिए और खुशी के माहौल में सब कुछ जल्दी अच्छा हो जाता है तो समय अनुसार हर चीज में चेंज Hmm. तो बेफिक्र बात सा रह सकेंगे कहेंगे, नहीं दिलकर। तो ले लेंगे उसको फटाफट वापस <laughs> कि हमारी चिंता तुमने क्यों ले ली बाबा वापस करो <laughs> एक नेचुरल आपको नहीं लगता है कि एक जैसे किसी व्यक्ति को एक आदत हो गई होती है एक संस्कार ही बन गया होता है भाई मैं बोलना नहीं चाहता हूँ लेकिन बोल देता हूँ मैं करना नहीं चाहता लेकिन कर जाता हूँ क्या ये भी एक नेचुरल सी आदत नहीं हो गई है कि हमने दे तो दिया लेकिन बार बार ले लेने की और कब ले ली वो पता ही नहीं चल नहीं बात लेने की नहीं है अब मनुष्य लंबे समय से जीवन जी रहा है वो अपने को जिम्मेदार समझता आया है है, है भी प्रैक्टिकल बात है ये कोई छोटी बनावटी बात तो नहीं है और जिम्मेदारी भगवान को देख कर होना ये बहुत ऊंची स्थिति है इसके लिए बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है जिसने लंबा काल समर्पण भाव से जीवन जिया हो लंबा काल वो कह दिया बाबा सब कुछ तेरा बच्चे तेरे बस इससे काम नहीं चलता और सारा दिन ये मेरे मेरे हैं उसमें लगे रहे तो ये जो समर्पणता है ये बड़ी सूक्ष्म है बड़ी गुह्य है इसको जैसे जैसे बढ़ाते चलेंगे तो ये चिंताएं और फिक्र भी समर्पित करना आता जाएगा जी जी एक चीज़ बताए जिसी से जुड़ी हुई बात एक होता है हम उन्हें दे देते हैं और एक दूसरी बात होती है कि हमारे मन में कहीं ना कहीं ये तो रहता है कि चलो हमने दिया तो है लेकिन करना तो आखिर हमें ही पड़ेगा ना बच्चे यदि गलत रास्ते पे जा रहे हैं बोलना तो हमें ही पड़ेगा उनकी सारी देख रेख हमें ही करनी पड़ेगी घर में क्या क्या होगा हम हमें ही करना पड़ेगा तो इन दोनों चीज़ों को कैसे समझें बिल्कुल करना तो स्वयं को ही पड़ेगा कोई बाबा तो आके बच्चों को पढ़ा नहीं देगा लेकिन मैं एक बात कहता आया हूँ कुछ दिनों से और कईयों ने वो नोट की होगी कि हम इतना समर्पित भाव बढ़ा दें कि हमारी प्लानिंग भी बाबा करें और वो कर देता है और प्लानिंग करके प्लानिंग को पूर्ण भी वो स्वयं करने लगता है अब बच्चे बुरे संग में जा रहे हैं अभी हजारों केसेस से हमने देख लिया कि माँ बाप उन्हें डांटते डपटते उनका पैसा बंद कर देते हैं पढ़ाई छुड़ा देते हैं फिर भी वो रुकते नहीं हैं हम ये देखते आए परिवार की एक ही घटना लड़की का कुछ केस हुआ था उन्होंने उसकी पढ़ाई छुड़ा के घर रख ली घर रख ली तो वो डिप्रेशन में एक एक मास में ही वो डिप्रेशन में आ गई पूरी तरह से अब वो जो पहली समस्या थी उससे ये कई गुना बड़ी समस्या बन गई तो इसलिए मैं बाबा की एक बात कहता हूँ अपने घर के माहौल को उनके वाइब्रेशंस को बहुत अलौकिक बनाओ तो ये समस्याएं बढ़ेंगी नहीं हुँ हुँ। बाबा आपकी समस्या हल करेगा माना बाबा के कहे अनुसार आपने अपने घर के माहौल को वाइब्रेशंस को बहुत योग युक्त बहुत अलौकिक बना दिया तो सब कुछ अच्छा होता रहेगा आप अपने बच्चों को कहेंगे ना बेटा ये ये नहीं ये संग खराब है उधर नहीं जाना तुम्हें अच्छे काम करने मान बना बच्चा फौरन समझेगा वाइब्रेशंस hmm. के कारण लड़की को कहेंगे ना ये काम नहीं करना है तुरंत कहेगी हाँ आप ठीक कहते हो नहीं करूँगी तुरंत काम होगा और वाइब्रेशंस अच्छा नहीं क्रोध है या ईगो है मेरे बच्चे हैं सुनते क्यों नहीं डांट टपट हो रही है तो और स्थिति बिगड़ेगी hmm. ये बात अगर सभी ब्राह्मण कुलभूषण अच्छी तरह समझ लें हमारा स्वमान हमारे द्वारा क्रिएट किए गए घर में वाइब्रेशंस जो बाबा की आज्ञाएं हैं सवेरे उठकर ऐसे योग लगाओ प्योरिटी में ऐसे रहो यदि हम बाबा की मानते हैं तो बाबा हमारे लिए बहुत कुछ करता है हम्म चलिए बहुत ही सूक्ष्म बात है ब्रहता जी इस पर में सभी को विचार करना चाहिए जब हम व्यवहार में व सेवा में आते हैं उस समय कर्म कॉन्शियस हो जाते हैं जब तक हमारा कार्य पूरा ना हो जाए एक चिंता व फिकर बनी ही रहती है मन भारी होने लगता है ऐसे में अपने आप को कैसे हल्का रखें? देखिए इसमें उस टाइम हल्का रखने की बात नहीं टोटल हम एक अच्छी स्थिति का निर्माण करते रहें। अब मान लो मैं उदाहरण दो, दो कुश्ती वाले पहलवान लड़ रहे हैं अभी दोनों ही पावरफुल हैं बराबर की जोड़ी होती है कभी वो नीचे कभी वो नीचे दोनों में अनिश्चितता भी है पता नहीं कौन जीतेगा मैं जीतूंगा या ये जीतेगा लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारते और उनकी जो कुश्ती की प्रैक्टिस है दांव आदि लगाने की वो लंबे समय की है अगर वो कहें पहलवान बहुत बड़ा अभी से कौन सा दाँव से कुश्ती लड़ूँ तो नहीं होगा तो ये ऐसी चीज़ है कर्म कॉन्शियस होना मनुष्य की नेचुरल नेचर बन गई है hmm. हम भी देखते हैं मैं भी अपने से पूछता हूँ कि ये काम मैं कर रहा हूँ अभी शुरू भी करते हैं लेकिन कभी कभी काम में अति व्यस्तता हो जाती है और काम यदि और ढंग का है तो बाबा छूट जाता है लेकिन अगर हम लंबे समय के प्रैक्टिस करने वाले हैं तो ये जो तो कर्म कॉन्शियसनेस है इस पर हम विजयी हो सकते हैं और इसका तरीका यही है कि बीच बीच में हमें कुछ अभ्यास करते रहना चाहिए उस कर्म में नहीं पहले से ही ताकि हमारी आदत हो जाए तब जब कोई ऐसा जिम्मेदारी का काम हमारे सामने होगा जिसमें हम फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें भी हम कुछ ना कुछ अभ्यास करते रहेंगे कम से कम कर्म करने से पहले एक दो तीन मिनट कुछ अच्छे अभ्यास अवश्य कर लेने चाहिए और बीच बीच में भी करेंगे तो कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे कर्म का प्रभाव नहीं पड़ेगा और जो एक फिक्र रहता है उसको पूरा करने का उसकी बजाय हमें निश्चिंत आ जाएगी कि ये तो पूरा होना ही है हम एक्सपर्ट हैं इसमें कोई ऐसा कोई किसी भी तरह का सटिल डाउट भी नहीं होगा कि ये पूरा होगा या नहीं इसलिए उसकी फिक्र की बात नहीं होगी बिल्कुल ये तो हुआ ही पड़ा है वाली स्थिति रहेगी या हम कल्प कल्प के विजयी हैं ये भी स्थिति रहेगी तो निश्चिंतता मुझे लगता है कि आ जाएगी बाबा ने कहा है कि जो अभी बेफिक्र बादशाह नहीं बनते वो भविष्य के भी बादशाह नहीं बनते तो देखा जाए तो कोई ना कोई फिक्र है ही जीवन में आती ही रहती हैं। तो क्या ये सही है कि हम भविष्य में बादशाह नहीं बन पाएंगे कभी ना कभी बन जाएंगे जब कोई ना कोई फिक्र है तो कभी ना कभी बन जाएंगे त्रेता युग बहुत बड़ा होगा देखो त्रेता युग के लिए बाबा ने कहा है सोलह हजार एक सौ आठ प्रिंस होंगे यानी बहुत राजाई हो जाएंगे। अब भारत का जो विस्तार है दूर दूर तक फैल गया होगा जी जी इसको वृत्तर भारत कहा गया है इतिहास में यानी विशाल भारत जिसमें श्रीलंका सिंगापुर तक इधर थाईलैंड तक उसके भी आगे तक इधर ईरान इराक तक ये सब हिस्सा भारत में आ जाता है चीन और रशिया तक का भी हिस्सा भारत में रहता है आधिकाल में तो उस टाइम जरूर आप राजा बन जाएंगे थोड़ी चिंता रहती है तो थोड़ी सी कटौती हो जाएगी ज़्यादा चिंता ना करो इसकी भी इसकी चिंता करने हाँ। की जरूरत नहीं है जिस प्रकार ब्रह्मा बाबा को अपनी राजाई का नशा रहता था वो बेफिक्र रहा करते थे ऐसे ही आज की इस फिक्र व चिंताओं भरी दुनिया में हर परिस्थिति में विजयी बनकर हम बेफिक्र कैसे रहें इन परिस्थितियों में नहीं परिस्थितियों का प्रभाव हमारे नशे पर ना आए हमारे नशे का प्रभाव परिस्थितियों पर आए अब बाबा को बहुत नशा रहता था इसलिए बाबा को जो बूढ़ापन था ना वो भी खत्म हो गया था किसी को बाबा को देख के ऐसा नहीं लगता था बाबा कोई बूढ़े हैं उनके हाथ हिल रहे हों वो किसी का हाथ सहारा लेके चल रहे हों वो हाय हाय कर रहे वो तो बिना सहारे के बैठा भी करते कर सहारे और किसी को लगता ही नहीं था कि बाबा कोई बूढ़ा है लोग तो समझते थे शिव बाबा इनके तन में रहते हैं ना इसलिए शिव बाबा सदा थोड़ा ही रहते थे उनको अपना ईश्वरीय नशा उनको चुस्त दुरुस्त रखता था जवान रखता था इसलिए परिस्थितियों में नशा रहिए नहीं नशे में रहें तो परिस्थिति नहीं रहेंगी ऐसा करेंगे जी 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 इसे पलट करना पड़ेगा उल्टा जब हम अपनों के प्रति शुभ भावना रखते हैं और हमारी शुभ भावना का उन पर कोई भी असर होता हुआ दिखाई नहीं देता बल्कि और ही परिस्थितियाँ बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं तो भी मन में एक चिंता का भाव उत्पन्न होने लगता है तो क्या अपनों के लिए की गई यह चिंता सही नहीं? नहीं चिंता तो मनुष्य को होगी क्योंकि जो अपने हैं उनके लिए मनुष्य कुछ करना चाहता ही है और ये चिंता होना स्वाभाविक भी है परंतु हमारी शुभ भावनाओं का असर दूसरों पर तब होगा जब हमारे अंदर योग की शक्ति बहुत होगी और अगर फिर भी असर न हो तो हमें इसको नियति मानकर उनका भाग्य मानकर अपने को थोड़ा हल्का कर देना चाहिए जैसे कई बच्चों की माताएं बात करती हैं मेरी बच्ची पढ़ती नहीं दसवीं किया है मैंने कहा कितने नंबर आए हैं चालीस परसेंट आए हैं मैंने कहा क्या बनाना चाहती हो इसको मैं तो इसको डॉक्टर बनाना चाहती थी मैंने कहा इसके चालीस परसेंट आए तुम और जोर लगवाओगी पचास आ जाएंगे बारहवीं में क्यों बेचारी के पीछे पड़ी हुई हो रहने दो ना डॉक्टर बनाना ही जरूरी है क्या इसे अच्छा इंसान बना दो जो इसकी योग्यताएं हैं उनको आगे थोड़ा बढ़ने दो तो क्या है कुछ चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ता है अब उसका बेचारे का बुद्धि का लेवल ही एवरेज है अब उसे सोचे टॉप पर ले जाएं वो पूरे बोर्ड को टॉप कर दे बारहवीं में ये कैसे होगा इसलिए कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करेंगे तो निश्चिंत सहज रह सकेंगे जी जी एक चाहना लेकिन रहती है माता पिता की और जैसे हम भी कई बार आ, आप भी कहते हैं कि योग से अच्छे अभ्यासों से बुद्धि का लेवल बढ़ सकता है जो अनहोनी मतलब ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी वो भी संभव है और ऐसे में बाबा की भी मदद हो सकती है तो क्या यहाँ ये पॉसिबिलिटी नहीं अगर योग करें तो योग अच्छा करें मोर देन फोर आवर्स एवरी डे तो बाबा की मदद मिलती रहेगी और बुद्धि को रिफाइन करने का लक्ष्य बना लें जो व्यर्थ में बुद्धि जाती है उससे अपने को बचा लें और जो हमने बहुत सारी विधि बताई उसका अभ्यास करें तो अच्छा विकास अवश्य हो जी जी और ये होता, होता हुआ दिखाई हुआ हुआ दिया है कई जगहों पे हुआ है बहुत बच्चों में जी 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 लौकिक परिवार के बीच में रहते जब हम बेफिक्र रहते हैं तो घर वाले हमें उल्टा सीधा सुनाते हैं कि इनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता ये तो परिवार का जैसे कि हिस्सा ही नहीं है तो उनके ये शब्द मेरे लिए एक नई प्रॉब्लम बन जाती है तो ऐसी परिस्थिति में <laughs> कि हम बेफिक्र रहते हैं लेकिन उनको ये है कि ये तो कोई फिक्र ही नहीं करते <laughs> जैसे दूसरों को सुखी देख के लोग परेशान होते हैं ना <laughs> कि क्यों सुखी हैं हमें तो रहिए क्यों नहीं है दुखी तो ठीक है आप उनकी उनकी इस चीज को देख के परेशान ना हो और आपकी जो जिम्मेदारी है उनकी केयर भी करें होता क्या है कई लोग ऐसा कर लेते हैं कि मन से तो बेफिक्र रहते ही हैं लेकिन कार्यों से भी बेफिक्र हो जाते हैं <laughs> 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 ये वो करें हम नहीं करें <laughs> ऐसा नहीं करना ये स्थिति मन की है ये नहीं है, हम अपने कार्यों को जिम्मेदारियों को छोड़ दें इस पे ध्यान देंगे तो परिवार वाले आपसे दुखी नहीं होंगे जी जी बल्कि खुश रहेंगे और इसमें उनका और भी ज्यादा वो हो जाता है कि देखो ये ज्ञान में है और कितना अच्छे सही देखिए एक माता है घर में मान लो भोजन ही बनाना और दो तीन को बनाना है जी जी अब इस संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि वो बेफिक्र बादशाह है और वो उनको कम सहयोग करती है तो तो बोलेंगे लेकिन ये बेफिकर बादशाह और हंसती हंसते मन बहलाते उनको भी अच्छी बातें सुनाते काम में लगती है उनको भी लगाती है तो देखो काम जल्दी होगा इस, इसको फिर भी कम करना पड़ेगा कर, ज़्यादा वो कर, लेंगे <laughs> लेकिन उन्हें लगेगा कितना अच्छा हो गया ये सब कलाएं हमें डेवलप करनी चाहिए बिल्कुल मतलब बेफिक्र का अर्थ हमें सही अर्थों में समझना होगा घर वालों को लौकिक जिम्मेवार में भी उनको हमें सहयोग देना है ताकि उनकी ये शिकायत ना रहे आई एम सफरिंग फ्रॉम टर्मिनल इलनेस कैंसर हाउ टू बी टेंशन फ्री वेन यू आर सपोज टू लीव डेथ वेटिंग फॉर यू माई सन इज़ ट्वेंटी वन माई फैमिली इज टोटली डिस्टर्बड तो चिंता करने से तो कैंसर ठीक नहीं होगा समस्या तो इनकी बिल्कुल स्वाभाविक है चिंता होने की लेकिन जितना खुश रहेंगी कैंसर उतना ही तो जल्दी ठीक होगा और जितना ये अभ्यास करेंगी मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ और बॉडी से डिटैच होकर बॉडी को वाइब्रेशंस देंगे उतना कैंसर जल्दी ठीक होगा इसलिए चिंता करने की बजाय ये काम करेंगे तो निश्चिंत हो जाएंगे और ठीक भी हो जाएंगे बिल्कुल मतलब और मान लो ऐसी स्थिति आ गई कि जा ही रहे हैं दुनिया से तो सब बच्चे अपना भाग्य लेकर आए हैं ना हम नहीं देखते छोटे चो छोटे बच्चों को छोड़ के ऐसे एक्सीडेंट हुए दो छोटे बच्चे बच गए सब मर गए सुनामी आई दो बच्चे इधर पड़े वो जीवित रह गए सब बह गए उनका अपना भाग्य था वो बड़े आदमी बन गए फिर भी अगर जाना ही पड़ रहा है तो उन सबको बाबा को समर्पित करके ये काम ना करते हुए इनका भाग्य बहुत सुंदर है खुशी से देह छोड़ना चाहिए जी जी वैसे तो बहुत ही रहता है जी परिवार वालों के लिए भी एक कठिन समय रहता है और हाँ। खुद के लिए भी एक कठिन परीक्षा का दौर होता है ये लेकिन आपने जो बातें कही है सचमुच उसमें व्यक्ति हल्का रह सकता कैंसर चीज ही ऐसी है इसके नाम से घबराते हैं जैसे कोरोना के नाम से घबराते हैं ना हुआ हो या ना हुआ हो कई तो ये आ रहा कल पॉजिटिव थी रिपोर्ट परसों निगेटिव आ गई अभी निगेटिव थी दूसरी जगह चेक करा पॉजिटिव आ गई तो लोग घबरा रहे हैं कि करें तो क्या करें जे जे। लेकिन कुछ लोग मस्त भी रहते जो चेक कराते नहीं है कोरोना आता है जाता है ठीक होता है वो मस्त रहते है ये भी चल रहा है दुनिया में कैंसर भी ऐसा ही है है जी, तो जी, खतरनाक डिजीज लेकिन फिर भी अपनी मनोस्थिति को संभालना ही ईश्वरीय ज्ञान का स्वरूप है जी जी बिल्कुल हम सबकी दुआएं और शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जल्दी से जल्दी स्वस्थ इसमें बाबा को समर्पित कर देना चाहिए अपने देह को ये देह तुम्हारी गोद में अब तुम इसे अमृत पिलाओ सिर सिर्फ हाथ रखो और ठीक करो जी अगला प्रश्न जी कि बाबा ने कहा है कि फिक्र होती है कोई भी अप्राप्ति व कमी के कारण तो हम कैसे समझें कि हमारे अंदर क्या कमी है या कौन सी अप्राप्ति है जो सूक्ष्म रूप से हमारे लिए चिंता का विषय बना है ज्ञान की कमी ड्रामा के ज्ञान पर विश्वास की कमी कुछ शक्तियों की कमी जो भयभीत करती है ये अप्राप्तियां मनुष्य को ज्यादा फिक्र में लाती हैं जिसने ड्रामा के रहस्यों को समझ लिया हो वो जल्द निश्चिंत जीवन जीते हैं जी जी अब बेहद का वैराग्य हमारा पिछला विषय था व्रता जी तो प्रश्न है कि बेहद का वैराग्य और बेफिक्र बादशाह क्या दोनों में कोई कनेक्शन है? देखिए बेहद का वैराग्य का अर्थ है हमारी बुद्धि संसार में कहीं भी लिप्त ना हो हम पूरी तरह से डिटैच हो गए हों और जब ऐसी स्थिति हमारी होगी तो हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर बहुत बढ़ जाएगी और तब बेफिक्र रहना इजी हो जाएगा जी जी बाबा कहते हैं सभी चिंताएं है, मुझे देकर बेफिक्र बादशाह बन जाओ पर ऐसा कैसे करें जबकि जन्म पत्री में आगे चलकर दुख परेशानियां लिखी हुई हैं और अभी तक उसमें लिखी सब बातें सच हो रही हैं अगली जन्म पत्री को योग बल से बदला जा सकता है अब इसमें दो सत्य होते हैं कुछ लोग हैं मान लेते हैं भई अब हम कार से जा रहे एक्सीडेंट होगा ही लेकिन कुछ लोग ये करते हैं कि उस टाइम को डिले कर दो क्योंकि वो एक्सीडेंट का भी टाइम निश्चित था ना हमने उसको पाँच मिनट पीछे कर दिया तो एक्सीडेंट छूट गया तो हर चीज को बदला जा सकता है इसमें योग बल सबसे बड़ी चीज़ है बाबा हमेशा कहते हैं तुम्हारी आयु भी योग बल से बढ़ती है ब्रह्मा बाबा के लिए उदाहरण देते हैं ज्योतिषियों ने इसको बताया हुआ था तुम्हारी आयु साठ साल है अब देखो बढ़ती जाती है क्योंकि सबसे बड़े योगी थे योग से हमारी आयु बढ़ती है हमारी भाग्य की रेखाएं बदलती हैं योग के साथ कर्म प्योरिटी भगवान के कार्यों में सहयोग देना ये सब हमारी भाग्य की रेखाओं को बदलते हैं इसलिए जो कुछ ज्योतिषियों ने बताया है उसको निश्चित रूप से बदला जा सकता है योग बल से ऐसे ही नहीं, नहीं। करेंगे योग योग बल से। से। जी जी तो यही बात तो रहता है जी फिर बीमारियों वालों के साथ भी है क्योंकि बीमारियां भी योग बल से ठीक हो जाएंगे ठीक हो रही हैं होती हैं जी जी जी, जी। चलिए एक बहुत ही सुंदर आशा का दीप आपने जला के दिया है ना तो कई लोग इसी बात से चिंतित रहते हैं कि ज्योतिषी ने मुझे ये बोल दिया है अब हाय क्या होगा तो योग बल के द्वारा उसे परिवर्तित किया माताएं तो ज्यादा ही डरती हैं हम मन में दुविधा हो जाती है एक तो पूछ भी लेते हैं पूछना नहीं चाहिए नहीं, पूछते भी जाते हैं और फिर डरते भी जाते हैं फिर बाबा को मिलाती रहती हैं उससे बाबा इसने ये कह दिया ये तो होगा ही अब ड्रामा तो फिक्स है अब मैं क्या करूं तो अगर योग बल होगा तो जैसे मैंने कहा भाग्य की रेखाएं बदली जा सकती है बिल्कुल हैं। और मुझे तो व्यक्ति कहता ऐसा लगता है प्रहता जी कि हाथ क्या दिखाना हम अपने हाथ की रेखाएं खुद बनाएं अच्छे परिश्रम और योग से बिल्कुल के बाबा ने यही कहा कलम तुम्हें दे दी है लिखना तुम्हारे हाथ में है जो लिखा हुआ उसको डिलीट करो मिटो दो नया लिखो बस <laughs> बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कहा था कि जो निश्चय बुद्धि होंगे वो सदा बेफिक्र बादशाह होंगे उन्हें ये संकल्प भी नहीं करना होगा कि मैं बादशाह हूँ वो सदा निश्चिंत रहेंगे ही ऐसी स्थिति कैसे बने क्या इससे हम ये समझें कि हम संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं हैं ये तो सत्य बात है संसार में कोई भी संपूर्ण निश्चय बुद्धि नहीं है निश्चय बुद्धि की निशानी होती है निश्चिंत जीवन इसके लिए लंबे समय के ज्ञान की साधना ड्रामा की साधना ड्रामा के ज्ञान का प्रयोग करना बाबा में पूर्ण विश्वास और ये निश्चय अनुभव युक्त हो जाए ये निश्चय अनुभवों पे आधारित हो जाए तब ये निश्चय परफेक्ट होता है मैंने कहीं सुना था मुरलियों में लेकिन वो बात मैं अभी बताऊंगा नहीं तो सब कहने लगेंगे हम तो निश्चय बुद्धि हैं ही नहीं निश्चय बुद्धि की एक लेवल अवश्य होते हैं जी। पर जैसे मैंने कहा संपूर्ण निश्चय माना संपूर्ण निश्चिंत और निश्चय केवल ये नहीं कि बाबा आया है या वो हमें पढ़ा रहा है या ये युग बदलने वाला इनमें तो निश्चय सहज हो जाता है लेकिन डे टू डे लाइफ में जो बातें आ रही हैं बाबा मुझे मदद करेगा भी या नहीं ये काम ठीक होगा भी या नहीं बाबा मेरा साथी है भी या नहीं सूक्ष्म चीज रोज सामने आती है हमारे उनमें निश्चय रखते हुए निश्चिंत रहना और पुरुषार्थ करते रहना ये मैं फिर ऐड करना चाहता हूँ निश्चिंता का अर्थ अर्थ बिल्कुल नहीं कि हम भोजन ही नहीं करेंगे हम तो निश्चिंत हैं कार्य करने हैं जी पूर्वक बिल्कुल मतलब एक बहुत ही गहरी और सूक्ष्म बातें हैं मुझे लगता है कि एक कुछ चीज़ें होती हैं जो बाहरी तौर पे दिखाई देती हैं लेकिन जैसे जैसे उसकी प्रैक्टिस कर किया जाए तो सचमुच वो बहुत ही डीप होती हैं और वो अनुभव में आती है मैं एक उदाहरण देता हूँ मान लो बाबा ने एक सुंदर महावाक्य कहा हुआ है कि जब तुम घर से बाहर चलो किसी कार्य को करने तो बाबा का आह्वान करो और संकल्प करो सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है तुम्हारा कार्य सफल होगा अब हम एक बड़ा काम करने जा रहे हैं जिसमें हमारे मन में पहले से ही दुविधा है कि वो व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा करेगा या नहीं करेगा अब हमारे निश्चय की यहाँ परीक्षा है कि हम घर से बाबा का आह्वान करके चले हैं ये संकल्प करके चले हैं सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है ये कार्य होना ही है फिर भी रास्ते में हमें आधा घंटा लगा है आधे घंटे में कितने संशय के संकल्प उठ गए इस पे खेल डिपेंड करता है फिर वो सफलता नहीं मिलेगी जिम्मेदार होंगे हमारे संकल्प बाबा कहो महावाक्य नहीं फिर हम जी. कहेंगे आपने तो कहा था मेरा आह्वान करो ये संकल्प करके जाओ सफलता होगी तो तो हो ही नहीं, नहीं। देखो निश्चय गहरी बात होगी ना अभी निश्चय था तो रास्ते में वो नेगेटिव संकल्प नहीं आने थे बिल्कुल बिल्कुल ये जी जी जैसे कल परसों एक एक बहन का फोन था उन्होंने कहा कि मैंने बाबा के सामने योग करके दो स्लिप रखे थे कि हाँ और ना का कि बाबा क्या जवाब देते हैं और जब मैंने उठाया तो हाँ निकल गया लेकिन मेरे मन में तो था कि बाबा ना बोलेंगे ना। <laughs> तो मेरा मन और बाबा दो चीजें अलग हो गई ना हम मेरे मन को हटा देना चाहिए जी जी मतलब ऐसी एक वह पो की उस स्थिति लेके हम सोचते हैं कि सब कुछ ठीक हो तो ये नहीं हो पाता अंतिम प्रश्न है मृत्य जी बेफिक्र बादशाह कैसे बने खैर ये प्रश्न तो आ गया है जहाँ तक किसी भी प्रकार का डर है जैसे भविष्य की इनसिक्योरिटी का डर या फिर अपनों को खोने का डर या कोई भी छोटी बड़ी बातों का डर है तब तक हम बेफिक्र कैसे बने और कभी कभी ये भी डर लगता है कि अगर मैं हिम्मत का कदम नहीं बढ़ा पाई तो फिर बाबा की मदद कैसे मिलेगी नहीं गे? ये बिल्कुल ठीक बात है हिम्मत का कदम तो बढ़ाना ही पड़ेगा लेकिन अपने खोएंगे क्यों ये नेगेटिव संकल्प क्यों असफलता का संकल्प क्यों ये संकल्प ही तो गलत हैं hmm. अगर हमें बाबा में विश्वास है अपने में विश्वास है तो हमें अपनों के खोने का भय क्यों होगा तो नेगेटिव संकल्प है और जो है भयभीत रखेगा बच्चे स्कूल में गए हैं डर रहेगा है, आएंगे या नहीं आएंगे एग्जाम देने गए डर रहेगा सफल होंगे या नहीं होंगे बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा हर जगह नेगेटिव हो जाएंगे तो कदम हमें ही बढ़ाने हैं लेकिन बहुत पॉजिटिविटी के साथ बहुत विश्वास के साथ तो सफलता भी मिलेगी आपका अपना कोई खोएगा ही नहीं और वैसे तो सबको अब आत्मा बन के घर जाना है अगर आपने सोचा हुआ ये मेरे हैं ये खो गए तो ये आपके ज्ञान की कमी है वो मेरे नहीं वो सब आत्माएं हैं अगर मेरे भी हैं तो मेरी आत्माएं हैं हम सब साथ चलेंगे घर इसमें कोई खोने की बात ही नहीं है और स्वर्ग में आएंगे सब कुछ मिलेगा इसलिए अपने ज्ञान का विस्तार करें उसको सूक्ष्म करें अपने निश्चय को बढ़ाएं और बाबा को संपूर्ण रूप से जानते जाएं उसकी कार्य करने की विधि को समझते चलें। वो किस बात से राजी होता है कब वो हमारे लिए अपने नियम भी बदल सकता है ये अगर हमें समझ होगी तो हम निश्चित रूप से उसको बांध लेंगे बाबा के दो शब्द याद दिला देता हूं अपने अधिकार और प्यार की रस्सी में बाप को बांध लो बाप बांधने के लिए तैयार है लेकिन इन दोनों ही बातों की गुहता ये मोटी बात नहीं है जी जी जो इन दोनों बातों की गुहता को लंबा समय अभ्यास में लाए प्यार और अधिकार वो इसके अनुभव कर सकेंगे बहुत बहुत शुक्रिया भ्रता जी बहुत ही गहन और सूक्ष्मता से आज इस विषय को आपने स्पष्ट किया है और ऐसा लगता है कि जितनी गहराई में हम उतरते हैं उतना ही उसको सूक्ष्म रूप से समझ पाते हैं कई बार बाहरी तौर से हम समझते हैं कि ये चीज़ ऐसी है लेकिन उसकी सूक्ष्मता कुछ और होती है लगता है कि अभ्यास करते करते तपस्या करते करते और अनुभव करते करते हम इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे आज के लिए आपका दिल से बहुत बहुत सभी भाई बहनों की तरफ से शुक्रिया बेफिक्र बादशाह शब्द है कितना सुंदर है बादशाह भगवान हमें बादशाह वर्तमान में भी बना रहे हैं और भविष्य में तो हम होंगे ही सारे कल्प हमारे ही सिर पर ताज रहेगा और हमें ही सारे विश्व का कल्याण करना है सारे विश्व को संभालना है लेकिन संस्कार भी हम अभी ही डाल रहे हैं अपने अंदर यदि अभी चिंता वाले संस्कार रहेंगे तो द्वापर के बाद भी जब ताज मिलेगा चाहता चाहे छोटा हो या बड़ा लेकिन उसे हम कठिनाई से चिंता से ही निभाएंगे क्योंकि अभी संस्कार हमारे चिंता के हैं तो क्यों ना हम अपने आप को पूरी तरह निश्चिंत बनाएं बाबा ने कहा है कि बाप तुम्हें मिल गया ना और बाप को यदि कोई भी चिंता है तो उसे सौंप दो बाप सागर है उसमें सब बातें समा जाएंगी ये भी अनुभव करने की बात है और जो जी ने एक बात कही मुझे और भी बहुत सूक्ष्म लगी कि जो ज्ञान उन्होंने दिया है उस ज्ञान को हम यूज़ करें अपने आप को बेफिक्र बनाने में औरों को बेफिक्र बनाने में खुद को समर्थ बनाने में जो समर्थ होता है वो चिंता नहीं करता हल्का रहता है निश्चिंत रहता है और हम सब तो फॉलो फादर कर रहे हैं तो जैसे बाबा ने एक सुंदर सा अपने लिए स्लोगन रखा था और बहुत नशे से बाबा कहते थे कि परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की जब वो मिल गया तो अब और किस बात की परवाह हम सब फॉलो फादर करने वाले बाबा के बच्चे ऐसे ही बेफिक्र बने बाबा की तरह नशे में खुद को स्थित करें ज्ञान योग का इतना बल जमा करें कि चिंताएं यदि बातें आती भी हैं तो विपरीत परिस्थितियों को भी हम अपने अनुकूल बना लें और सब कुछ बाबा को अर्पित करते हुए उड़ते चलें ओम शांति चलें प्यारे बाप दादा की याद में अपनी सारी चिंताओं को उन्हें सौंपते हुए एक संकल्प करेंगे कि बाबा हर परिस्थिति में आपके साथ अब से हम बेफिक्र रहा करेंगे हमारा शिव है लखदा हमारा शिव है लखदा हमको का सिर जनहार बना है साथी सिर जनहार हमको काहे की चिंता मिला है करन करा हमको काहे की चिंता भला होगा भरोसा उसके ऊपर है दुआ का हाथ सिर पर है तो फिर किस बात का डर है जो हो का बस होगा बस भला होगा सिर जनहार बना है साथी सिरजनहार हमको काहे की चिंता मिला है कर्ण करा हमको काहे की चिंता